हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, y लेट कर लेता हूँ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी को। ओके, अभी देखिए ये जो डिवाइड में ए एक्स प्लस बी है ये हम ऊपर ले आते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ पर नीचे प्लस है तो ऊपर पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पर पावर क्या होगी, -1। ओके, अभी देखिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूँगा, वाई वन इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ए एक्स पहले पावर शो होगी, पावर क्या है, -1, तो -1 आगे पावर आगे आती है, और ए एक्स प्लस बी की पावर -1 है, और इस पावर में से 1 माइनस और होगा, यानी कि -1 पहले से ही है, तो क्या हुआ अभी, -2। ओके, अब हम इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, और बी के साथ बी तो कॉन्स्टेंट है, तो बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। ओके, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है। अभी हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, वाई टू इक्वल टू, देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ कर कर ही हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ए तो कॉन्स्टेंट है और ये -1 है, तो ए को यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ और इस -1 को यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी हमने ये दोनों तो ऐसे रहेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है वापस, तो देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर की बार क्या है, पावर -2, पहले पावर सोल्व करेंगे तो -2 आगे, और ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी, -2 है तो -3 हो जाएगी, क्योंकि पावर में से 1 माइनस करेंगे। ओके, और अभी हम इस अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पर ए होगा इसका, तो सेकंड डेरिवेटिव हमें क्या मिला है, एक ए ये रहा और एक ए ये रहा, तो ए स्क्वेयर और -1, यहाँ पर -2, ए एक्स प्लस बी की पावर -3। ओके, देखिए थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, y3 ए की पावर 2 और -1 -2, ये तो एज इट इज रहेंगे, डेरिवेटिव को इसका करना है हमें, इसका ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है आगे वाली, तो देखिए अब की बार पावर कितनी है, -3 आगे पावर आगे, और पावर में से 1 माइनस, एक्स प्लस बी की पावर इसमें से 1 माइनस और करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, -4, और फिर हम ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। देखिए y3 हमें क्या मिला है, ए की पावर 3 -1 -2 -3 और ए एक्स प्लस बी की पावर -4। ओके, इसी प्रकार अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, तो यहाँ पर ए की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4, और ये देखिए एक आगे चला जाएगा, -1 -2 -3, और यहाँ पर फोर्थ डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, -4। ओके, और ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी है, यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -5, क्योंकि इस ओके इसी प्रकार ये चलता रहेगा। अगर हम वाई की पावर एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर 4 टाइम डेरिवेटिव किया तो ए की पावर 4 आ रहा है, और 3 टाइम किया तो ए की पावर 3, अगर हम एन टाइम करेंगे तो ए की पावर क्या मिलेगा हमें, एन, और ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम किया हमने डेरिवेटिव -1, सेकंड टाइम किया -1 और -2, थर्ड टाइम किया -1 और -2 -3, इसी प्रकार एन टाइम करेंगे तो क्या होगा, -1 और -2 -3, और इसी प्रकार चलता रहेगा ये -n तक। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया हमने
पावर कितनी थी, -2। और सेकंड टाइम किया यहाँ पर ax प्लस बी की पावर कितनी थी, -3 सेकंड टाइम में। और फोर्थ थर्ड टाइम में डेरिवेटिव किया तो ax प्लस बी की पावर -4 थी। यानी कि जितना टाइम हम डेरिवेटिव करने हैं उससे पावर एक प्लस आ एक ज़्यादा पावर आ रही है। माइनस का तो साइन है ही यहाँ पर, लेकिन जितना टाइम हम डेरिवेटिव कर रहे हैं उससे एक ज़्यादा पावर आ रही है। अगर हम एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर तो पावर क्या मिलेगी हमें, -n और -1। ओके, -1 यही पावर हमें मिलेगी। इसको अभी थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं हम, वाई ए की पावर एन, इसे हम एज इट इज ही रखें। ये देखिए ये फैक्टोरियल बन रहा है हमारा, -1 -2 -3 एज इट इज सोन चलता रहेगा -n तक। ओके, तो ये देखिए अगर हम मैं इसमें से हर में से माइनस के साइन कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, ये n तक है, n तक माइनस साइन है यहाँ पर। तो देखिए ये 1 है और इसके ये माइनस के साइन n है, कितने हैं माइनस के साइन n, तो 1 की पावर n लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, क्योंकि ये माइनस के हर में माइनस के साइन है, 1 के आगे माइनस का साइन है, 2 के आगे माइनस का साइन है, इसी प्रकार माइनस के साइन कितने हैं हमारे 1 n, तो 1 की पावर n लिख देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पर देखिए फिर क्या बचा हमारे पास, ये माइनस के साइन सभी कॉमन ले लिए, एन टाइम माइनस साइन है यहाँ पर, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 1 2 3 इंटू एन। ओके, इसी प्रकार और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी, इसमें से मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, एन प्लस 1 ये। ओके, अभी देखिए इसको मैं फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 1 2 3 एन तक चलेगा, तो इसको भी मैं फैक्टोरियल टर्म में लिख देता हूँ, ए की पावर एन और -1 की पावर एन, और इसको मैं एन फैक्टोरियल है ये हमारा, और ये है ए एक्स प्लस बी, इसको वापस हम डिवाइड में ले आते हैं, तो ये माइनस का साइन है, ये साइन चेंज होगा अगर डिवाइड में ले आएंगे, तो ये क्या होगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1। ओके, ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, यही हमारा एन टाइम डेरिवेटिव है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। ओके, थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।